इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 मार्च के करेंट अफेयर पे। और देखिए, आज इस वीडियो में टोटल हम 11 करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों का जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट वीडियो को ध्यान से देखिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर के PDF भी मिल जाएगी। और देखिए, इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस मोटर कंपनी ने लिस्बन पुर्तगाल में इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, जिसका नाम है ग्रीन एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, जीता है। तो देखिए, ये मोटर कंपनी आपकी है TVS। और देखिए, अगला था कि हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा अब तक की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है काइली जेनर, और इनके बारे में मैंने परसों के वीडियो में डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए, अगला प्रश्न था कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं हसमुख अधिया। और अगला था कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो देखिए, इस आज़ादी के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के द्वारा। और देखिए, अगला था कि हाल ही में गूगल ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाना सिखाने के उद्देश्य से किस एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया। तो देखिए, इस एंड्रॉयड ऐप का नाम है बोलो ऐप। और देखिए, इसके बारे में और डिटेल आप जो है परसों का वीडियो देख के जान सकते हैं। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना का आरंभ किया गया है। तो देखिए, ये योजना अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो फिर से बता देता हूँ, देखिए, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, इसने युवाओं को निजी उद्यम यानी कि अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना का हाल ही में शुभारंभ किया है। और देखिए, इस युवा श्री अर्पण योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 50,000 युवाओं को सरकार की ओर से निजी उद्यम शुरू करने के लिए 1-1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। और देखिए, पश्चिम बंगाल कहाँ पे लोकेटेड, मैंने आपको बताया है कई बार। देखिए, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल कुछ इस स्थान पर इंडिया में लोकेटेड है। और आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ कितने देशों के साथ लगती हैं, और पश्चिम बंगाल कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक मतलब आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, आपको थोड़ा सा मैप मैंने जूम कर दिया, अब आप यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा होगा। आपको अब बताना है कि जो आपका ये वेस्ट बंगाल है, ये कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है और कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो इसका उत्तर अभी इस वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के समय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, यानी कि जो आपका वेस्ट बंगाल है इसकी राजधानी कोलकाता है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2019 का प्रिजर पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो देखिए, 2019 का जो प्रिजर पुरस्कार है इसको अराता इसोजाकी को दिया जाएगा। और देखिए, प्रिजर पुरस्कार के बारे में हर साल एग्जाम में पूछाता है कि इस साल का प्रिजर पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए, 2019 का जो प्रिजर पुरस्कार है इसको जीता है अराता इसोजाकी ने। और अराता इसोजाकी कौन है? देखिए, अराता इसोजाकी जो है ये आपके एक जापानीज यानी कि जापानी आर्किटेक्ट हैं, और ये जो है प्रिजर पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के 46वें व्यक्ति बन गए हैं। और देखिए, साथ ही जो आपके अराता इसोजाकी हैं, ये जापान के 8वें जापानी आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, यानी कि प्रिजर पुरस्कार जीता है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले क्या रखना है सरल शब्दों में, कि अराता इसोजाकी जो है ये आपके एक जापानी आर्किटेक्ट हैं, और इनको 2019 का प्रिजर पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये दुनिया के 46वें व्यक्ति बन गए हैं प्रिजर पुरस्कार पाने वाले, और साथ ही ये जापान के 8वें ऐसे आर्किटेक्ट बन गए हैं जिनको प्रिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, प्रिजर पुरस्कार के बारे में डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछाता है। देखिए, जो आपका प्रिजर प्राइज़ है यानी कि प्रिजर पुरस्कार है, ये आपका एक वार्षिक पुरस्कार है, और ये पुरस्कार जो है किसी भी आर्किटेक्ट को उसके बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और देखिए, प्रिजर पुरस्कार की स्थापना जो है ये शिकागो के प्रिजर परिवार ने 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा की थी। और देखिए, सबसे मुख्य लाइन जो है आज के करंट अफेयर की, देखिए, जो आपका प्रिजर पुरस्कार है इसको
आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए आप कहीं पे। देखिए जो आपका प्रिजर पुरस्कार है इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो ये सभी खास बातें आपको याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि 2019 का प्रिजर पुरस्कार अराता इसोजाकी ने जीता। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम है? तो देखिए जो मिजोरम के राज्यपाल हैं इनका नाम था कुम्मनम राजशेखरन, और जो आपके कुम्मनम राजशेखरन हैं इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इनके स्थान पर अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है जो आपके असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, तो जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। तो फिर से बताता हूँ सरल शब्दों में, देखिए जो मिजोरम के राज्यपाल थे जिनका नाम है कुम्मनम राजशेखरन, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और अब मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्य प्रभार किसे दिया गया? देखिए ये दिया गया है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को। तो ये खास बात है आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए मिजोरम की बात कर लेते हैं, देखिए मिजोरम जो है इसकी कैपिटल है आइजोल, और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थंगा, और मिजोरम की स्थापना जो है ये आपकी 20 फरवरी 1987 को की गई थी, और मिजोरम की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये आपकी हैं मिजो, इंग्लिश और हिंदी। और देखिए मिजोरम की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ और इसकी बाउंड्रीज दिखा देता हूँ। देखिए आपका जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है भारत का, कुछ इस स्थान पे आपका इसमें जो है मिजोरम लोकेटेड है, ठीक है। और देखिए जो आपका ये पिंक कलर का मिजोरम दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखेगा। देखिए जो आपका मिजोरम है ये आपके देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लग रही है म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ, और साथ ही बांग्लादेश के साथ। तो मिजोरम जो है इसकी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। और देखिए जो आपका मिजोरम है ये आपके तीन भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और ये राज्य आपके हैं मणिपुर, असम और त्रिपुरा। तो ये खास चीज़ें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए जब भी कोई नया गुडविल एम्बेसडर बनता है UNDP का तो ये एग्जाम में पूछ जाता है, तो इनको आपका नाम याद रखना है। देखिए इनका नाम है पद्मा लक्ष्मी, और देखिए पद्मा लक्ष्मी कौन है इनके बारे में आप जानते होंगे, ये एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, और ये इनकी एक किताब भी आई थी कुकिंग पे, ठीक है, और ये टीवी की होस्ट भी हैं यानी कि ये टीवी पे होस्टिंग का काम भी करती हैं। तो ये सभी इनके बारे में एडिशनल जानकारी है, इनके बारे में खास चीज़ क्या रखनी है कि जो आपकी ये पद्मा लक्ष्मी जी है, ठीक है, तो पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का नया गुडविल एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, देखिए जो पास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, और इसकी स्थापना यानी कि UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी, और इसकी इस समय मुखिया है एचिम स्टेनर। तो आपको ये सभी चीज़ें आपको UNDP के बारे में याद रखनी है। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ई धरती ऐप लॉन्च किया गया? तो देखिए जो आपका ई धरती ऐप है इसको लॉन्च किया गया हाल ही में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, और हरदीप सिंह पुरी कौन है? देखिए हरदीप सिंह पुरी जो है ये भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी जो है ये भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में ई धरती ऐप को लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका ये ई धरती ऐप है ये क्या चीज़ है? देखिए इस ऐप के माध्यम से भूमि या फिर जो आपकी संपत्ति है प्रॉपर्टीज़ को आप बोलते हैं, तो इसके मॉड्यूल रूपांतरण प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन यानी कि कंजर्वेशन सब्स्टिट्यूशन एंड म्यूटेशन से जुड़े परिवर्तन को जो है इसको ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ये खास बात याद रखना है इस ई धरती ऐप के बारे में, इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने जो कि भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं औसाफ सईद। तो आपको याद रखना है कि औसाफ सईद जो है इनको सऊदी अरब में हाल ही में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। और देखिए ये जो है सऊदी अरब में भारत के राजदूत अपॉइंट होने से पहले सेशेल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये इस्तीफा देंगे और जो आपके औसाफ सईद हैं ये अब जो है सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में काम करेंगे। और देखिए आपको आज सऊदी अरब के फैक्ट भी बताने कमेंट बॉक्स में, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस जर्मन ऑटो कंपनी पर भारत में अपनी डीजल कारों में चीट डिवाइस के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए जो आपका NGT है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने जो आपकी जर्मन ऑटो कंपनीज का नाम है वॉक्स वैगन, तो वॉक्स वैगन पे हाल ही में 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, इसको आप याद रखिएगा।
और देखिए जो आपके एनजीटी के चेयरपर्सन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इनकी अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने इस कार निर्माता यानी कि वॉक्सवैगन को, जो कि जर्मन ऑटो कंपनी है, तो वॉक्सवैगन को 2 महीने के भीतर जो है ये 500 करोड़ रुपए की जो राशि है इसको जमा करने का निर्देश दिया है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो आपकी वॉक्सवैगन है आपकी जर्मन ऑटो कंपनी है और उस पर एनजीटी ने हाल ही में डीजल कारों में चीट डिवाइस के उपयोग के कारण जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और आठवां प्रश्न है कि जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो देखिए जो आपकी नोमुरा है इसने अनुमान लगाया है कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष में जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है ये 7% से नीचे रहेगी। देखिए ये एक केवल अनुमान है जो कि कई सारी कंपनियां लगाती हैं कई सारे देशों के बारे में। तो नोमुरा जो आपकी ये एक ब्रोकरेज कंपनी है जापान की, इसने अनुमान क्या लगाया है 2019-20 के वित्तीय वर्ष में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है ये 7% से नीचे रहेगी, इसको आपको याद रखना है। और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने किस निजी जीवन बीमा कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये निजी जीवन बीमा कंपनी आपकी है HDFC लाइफ। तो फिर से बता दूं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्राइवेट यानी कि निजी जीवन बीमा कंपनी, इसका नाम है HDFC लाइफ, के साथ हाल ही में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। और इस अनुबंध की क्या खास बात है, देखिए इस अनुबंध यानी कि इस साझेदारी के माध्यम से यूनाइटेड बैंक जो है इसके ग्राहक जीवन बीमा उत्पादों वितरण और ग्राहक सेवा में HDFC लाइफ की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेंगे। तो ये खास बातें हैं इस अनुबंध की, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनाइटेड बैंक के बारे में और जो आपका ये आपका HDFC लाइफ इसके बारे में। देखिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय इस समय कोलकाता में है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अशोक कुमार प्रधान। और HDFC लाइफ जो है, देखिए HDFC का पूरा नाम एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो देखिए HDFC का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसकी एक शाखा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो इस समय जो आपकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है विभा पेडलेकर। और देखिए जो आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस है इसका मुख्यालय आपका है मुंबई में, इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि HDFC, तो आपको याद रखना है चीज़, ठीक है। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किस महिला को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का चेयरमैन हाल ही में बनाया गया है किरण अग्रवाल को। और देखिए जो आपकी किरण अग्रवाल है इनको कंपनी का अतिरिक्त निदेशक और चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये जो है अग्निवेश अग्रवाल का स्थान लेंगे। तो सरल शब्दों में बता दूं आपको, देखिए हाल ही में किरण अग्रवाल को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर अग्निवेश अग्रवाल का स्थान लिया है। और देखिए जो आपकी किरण अग्रवाल हैं, ठीक है, इनको जो है चेयरमैन के साथ साथ में अतिरिक्त निदेशक भी बनाया गया है, ठीक है, यानी कि ये अतिरिक्त निदेशक और चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुई हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। और देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय आपका उदयपुर में है और इसके वर्तमान में CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सुनील दुग्गल। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसका नया निदेशक अपॉइंट हुए किया गया हाल ही में अजीत कुमार मोहंती को, और ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो फिर से बता दूं कि अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक हाल ही में अपॉइंट किया गया है और देखिए इनको टोटल 3 सालों के लिए जो है इस पद पर नियुक्त किया गया है। और देखिए जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसके बारे में जान लीजिए, देखिए इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी 3 जनवरी 1954 को। तो ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज आपको स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में, 5 में से कितने आपने स्कोर किए हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद जो है वीडियो को देख के इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आपको आपके लिए पहला प्रश्न है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसको इस तिथि को भी बताइए और इसकी थीम को भी बताइए, कल मैंने आपको डिटेल बताया था। और अगला प्रश्न आपके लिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है, इसका सही उत्तर बताइए। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में मैंने कल पूरी डिटेल बताई थी आपको, तो पूरा डिटेल देखने के लिए आप कल का वीडियो देख लीजिएगा और उसको नोट भी कर लीजिएगा,
क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में जो है एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया, इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले ज्वेलरी पार्क का शिलान्यास किया गया, इसका सही उत्तर बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि फोर्ब्स पत्रिका के 2019 के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं, इसका उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के वीडियो को लाइक करके खुद शेयर कर दीजिएगा और जरूर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उसको ऑटोमेटिक और सबसे मिल जाए। और अगर आप मुझे आप इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप स्टेट ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।